वो भी हरियाणा का। क्या इस महल से इस फकीर को, इस महात्मा को थोड़ी सी भिक्षा मिलेगी? महाराज, साधु जी महाराज, नहीं। आप ये किस तरह की महल सुनसा में आए हैं और मुझे लगता है कि आपने भांग चढ़ाई हुई है, जो आपको इतना भी नहीं दिखाई देता कि रोटी के ऊपर आपकी माँ नहीं, आपकी रानी पाटन में खड़ी है। मेरे लिए, आपके लिए, सीमा जी, सीमा मेरे लिए संसार की अब माँ और बहन के बराबर है, मेरी कोई रानी नहीं। अरे तो सोलह रानी जो महल के अंदर है वो दूर से महात्मा को हाथ लगाना भारी पड़ जाता है। ओ महात्मा, जो माइक बदल ले, वो लेनी चाहिए जल्द से। हाँ माइक बदल ले। हाँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या मुझे इस महल से दो मुट्ठी चून मिले? दो मुट्ठी की बात करते हो, क्या करोगे दो मुट्ठी चून का? टिक्कड़ बनाएंगे और पाएंगे प्रसाद। टिक्कड़ बनाओगे प्रसाद पाएंगे, दो मुट्ठी चून का गुजारा हो जाएगा? ये किस लिए चाहिए ये बताओ। गुरु का आदेश है, डेरे में लेके जाना है। अगर तुम्हारे गुरु का आदेश है डेरे में लेके जाना है, तो तुम्हारे राजकोष के खजाने में इतना सारा धन माल जमा है, तो महाराज मुझे राजकोष का खजाना नहीं चाहिए। तेरे में श्रद्धा है तो भीख डाल दे, वरना महात्मा, वरना महात्मा, महात्मा जा रहा है कहीं और, और न जाओ कोई नौ तगत नहीं। मेरी बात सुन ले महाराज, सीधे सीधे महल के ऊपर आ जाओ, अगर तेरी मेरी कोई बात है तो बैठ के सुलह करेंगे। अगर तेरी गलती है तो तुम क्षमा मांग लेना, और मेरी गलती है फिर भी मैं क्षमा मांग लूंगा, ये फर्क पड़ा। चल कह, तो क्या कहना चाहती है? मेरी बात सुन ले, छोड़ पाछली राही है, छोड़ पाछली राही है।
धन्यवाद करता हूँ। और भाई जयसिंह सनोप सोहनलाल सेक्रेटरी 100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं इस बात में तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि तू इतनी बड़ी रानी होकर के तेरे में इतनी श्रद्धा नहीं है कि एक महात्मा को दो मुट्ठी चूम दे दे, थोड़ी सी मुट्ठी। दो मुट्ठी की बात करते हो तुम, एक बार हुकुम करो सारे राजकोष का खजाना ना तुम्हारे सुन नहीं। अरे दान वही जिससे दानी ने कष्ट न माना है, दान वही जिससे दानी ने कष्ट न माना है, और जिस दान से दानी दुश्मन ने वो दान नहीं जुर्माना है। मैं दान वहां से लेता हूँ देने में जहाँ सुविधा हो, और उस दान को छूता तक भी नहीं पीछे से जहाँ फजीता हो। फजीता हो? हाँ। मेरी बात का जवाब दो, जब हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम क्या करेंगे? तुम भी ओम ओम का स्मरण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, उसका भी एक समय होता है, वो तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन जब हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम क्या करेंगे? मेरी याद आएगी नहीं, नहीं और आएगी? कभी याद भी आए, क्यों नहीं आएगी? कभी याद आए तो फोटो देख रहे, फोटो फोटो क्यों देख लेंगे? ऐसा है महाराज, सुनो मेरी बात। अरे सुनो तो सही, एक महाराज ही धोखा खा के बैठा, एक महाराज ने छोरी के हाथ लगाया था, जोधपुर की जेल में पड़ा। जो संकट काट देते हैं, कि अपनों को कभी सताया नहीं करते, कि अपनों को कभी सताया नहीं करते, और बेवजह उन्हें यूं बुलाया नहीं करते। और आपके 16 रानी है महाराज, मुझे उनका नहीं पता, हम अपनी बात कर रहे हैं, कि अपनों को कभी सताया नहीं करते, यूं बेवजह उन्हें बुलाया नहीं करते। और हमें तो आदत हो गई है आपको देख देख कर मुस्कुराने की, कि हमें आदत हो गई है आपको देख देख कर मुस्कुराने की, और हंसते हुए चेहरे को कभी रुलाया नहीं करते, कभी रुलाया नहीं करते। ढूंढा लगाऊंगा, यज्ञ करा करूंगा सुबह सुबह, परमार्थ के काम करूंगा, महात्मा बन के दिखाऊंगा, बड़ों में रहूंगा, ढूंढी तपूंगा। किसके लिए? मतलब किस लिए? लोगों का भला करूंगा और अपना भला करूंगा। भला तो तुम राजा रह के भी कर सकते हो। नहीं, राजा रह के तुम, राजा रह के भजन नहीं किया जा सकता। और सुने, अगर धूनी तपूंगा यज्ञ करूंगा तो अमर हो जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप अमर हो जाओगे, मोक्ष प्राप्त होगा, यानी कि आप भगवान को पालोगे। हाँ जी। और जो 16 वीर वानिया की आत्मा ने दुखाकर जब भजन करोगे तो? जी हाँ। अब तुम्हारे भजन में हम आ गए तो? आने ही नहीं दूंगा। पहली बात तो तेरी 16 रानी तेरे जी जवा से न रोएगी। अच्छा। 12 कन्या देखी बड़ी छोरी ब्याह गोरी शर्माणी जी, ये छोरी भी आगे लायक है, बिल्कुल भी आगे लायक है, इसकी चिंता मत कर। क्यों? ये आज कारिया वालों को दे दिया, कारिया गांव वालों कोई भी ब्याह कर सकता है। आज जो बची शेष 11 ये भुगत रहेगा 11 के 11 अपने आप।
तैने उस बात को साबित कर दिया पाटन दे। आजकल एक साधु संतों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। तैने उस बात को साबित कर दिया जो लोग कहावत कहा करते। क्या महाराज? अरे जब मैं राजा था तो हर आज्ञा का पालन किया करती थी। मैं तो अपनी आज्ञा का ही पालन कर रही हूँ। आज मैं महात्मा बन गया तो तेरे में इतनी श्रद्धा नहीं कि दो मुट्ठी भिक्षा दे सके। मेरे गुरु का आदेश था, वरना तेरे महल के नीचे झांकने की मुझे कोई तमन्ना नहीं है। क्योंकि साथियों, किसी लिखने वाले ने कहा है कि चोरी जैसा धन नहीं होता, चोरी जैसा धन नहीं होता अगर थानेदार ना हो तो, और साथियों जुए जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और औरत जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो, अगर ये बदकार ना हो। नहीं महाराज, सेवा शुक्र में सतपथ का पूरन अभ्यास हो लिया। Because